हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 16 अक्टूबर से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1757 ईस्वी में आज ही के दिन ऑस्ट्रिया की सेना ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन पर कब्जा किया था। सन 1788 ईस्वी में आज ही के दिन मराठों ने शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था। सन 1896 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सांसद और हिंदी के साहित्यकार सेठ गोविंद दास का जन्म हुआ था। सन 1905 ईस्वी में आज ही के दिन लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का प्रथम विभाजन किया था। सन 1923 ईस्वी में आज ही के दिन रॉय और वॉल्ट डिज्नी ने वॉल्ट डिज्नी कंपनी की स्थापना की थी। सन 1939 ईस्वी में आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने ब्रिटिश क्षेत्र पर पहला हमला किया था। सन 1939 ईस्वी में आज ही के दिन संथाली भाषा के विद्वान, शिक्षाविद और पद्मश्री से सम्मानित दिगंबर हंसदा का जन्म हुआ था। सन 1951 ईस्वी में आज ही के दिन आधुनिक पाकिस्तान के जनकों में गिने जाने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की हत्या एक जनसभा के दौरान कर दी गई थी। सन 1959 ईस्वी में आज ही के दिन राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। सन 1964 ईस्वी में आज ही के दिन परमाणु स्पर्धा में शामिल होने को उत्सुक चीन ने अपने पहले परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। सन 1968 ईस्वी में आज ही के दिन हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1978 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद में अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। सन 1982 ईस्वी में आज ही के दिन सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। सन 1994 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष का निधन हुआ था। सन 1996 ईस्वी में आज ही के दिन ब्रिटिश सरकार ने डनब्लेन नरसंहार के बाद देश में लगभग हर तरह की हैंडगन पर रोक लगाने की योजना का खुलासा किया था। सन 1999 ईस्वी में आज ही के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैन्य शासन के विरोध में पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाया था। सन 2005 ईस्वी में आज ही के दिन G20 देश वर्ल्ड बैंक और IMF में सुधार हेतु एकमत हुए थे। सन 2012 ईस्वी में आज ही के दिन सौरमंडल के बाहर एक नए ग्रह अल्फा सेंचुरी BV का पता चला था। सन 2014 ईस्वी में आज ही के दिन न्यूजीलैंड, मलेशिया, अंगोला, स्पेन और वेनेजुएला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुने गए थे। सन 2018 ईस्वी में आज ही के दिन आयरलैंड की लेखिका एना वंस को उनकी किताब मिल्कमैन के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया था। यह किताब एक युवती की दर्द भरी दास्ता है जो ताकतवर शख्स के हाथों शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होती है। सन 2020 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया था। यह सिक्का भारत और FAO के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को दर्शाता है। संध्या बीच में आज ही के दिन 23 वर्षीय मुंबई की ऐश्वर्या श्रीधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार का 56वां वर्ष था। संध्या बीच में आज ही के दिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 107 देशों में भारत 94वें स्थान पर रहा। 27.2 के स्कोर के साथ भारत को GHI पैमाने में गंभीर श्रेणी में रखा गया है। सन 2021 ईस्वी में आज ही के दिन विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। पहली बार विश्व खाद्य दिवस 1981 में मनाया गया था। यह दिन हमारे जीवन से दुनिया भर में भूख मिटाने के लिए मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 2021 की थीम स्वस्थ कल के लिए सुरक्षित भोजन अभी। तो ये थी आज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।